नमस्कार, मैं पूजा और आप कुछ देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज के दिन की शुरुआत की खास खबरें, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि सच्ची घटनाओं से आपको रूबरू करना, जिससे आपका दिन छुप जाए। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ अब थाने में दर्ज हुआ केस। पेंगबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कहे थे अपशब्द। एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान पेंगबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब नुपुर के खिलाफ थाने के मुबरा में एक और मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में तहत मामला दर्ज किया गया है। विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। थाने में शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 295 ए विमर्शित और द्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, 153 ए समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 505 दो विभिन्न समुदाय के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाने के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में भी दर्ज हुआ था केस। इससे पहले मुंबई के पायधुनी पुलिस थाने में भी शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह केस रजा अकादमी के संयुक्त सचिव इरफान शेख की शिकायत पर शनिवार की रात में हुआ था। पुलिस के अनुसार शेख ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें शर्मा की टिप्पणी का व्हाट्सएप पर एक क्लिप मिला है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। नुपुर शर्मा के खिलाफ हो कड़ी कार्यवाही NC। इससे पहले जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नुपुर शर्मा के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की थी। युवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष सलमान अली सागर ने एक बयान में कहा, पार्टी एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध बीजेपी प्रवक्ता की इस निंदक, अपमानजनक और डरावनी टिप्पणी को लेकर दुखी है। उन्होंने शर्मा की विचार को पूर्ण रूप से बेबुनियाद और अवांछनीय करार दिया। फिलहाल वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए MNS News Live, क्योंकि साथ जरूरी है। नमस्कार।